नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन हिस्ट्री जोन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। सुंदर संग्राम में सबने विज्ञान आंदोलन ढलान पे था और उसी से हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने बताया था कि सबने विज्ञान आंदोलन 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट से क्लोज हुआ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि सबने विज्ञान आंदोलन से संबंधित कौन कौन से आंदोलन थे। अब आंदोलन का जो अंत है वो एक घटना से होता है, उसी का नाम है गांधी इरविन समझौता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। आपके इतिहास में कई पैक्ट हुए, कई समझौते हुए। अब एक पैक्ट आपका और हो जाए जो है आपका पूना पैक्ट, तो हम सारे पैक्ट एक क्रम से शेयर करेंगे। एग्जाम में इनका क्रम पूछा जा सकता है कि कौन से पैक्ट कब हुए, किसके किसके बीच हुए और क्या उसमें हुआ, जैसे लखनऊ पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, बेलगांव पैक्ट, पूना पैक्ट, चार हैं पैक्ट, और बताइए इनका क्या क्रम होगा। ठीक, तो गांधी इरविन पैक्ट समझौते में हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बताने को है, इसके बाद हम लोगों को चलना है लंदन गोलमेज सम्मेलन की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे जुड़े हुए दो चार क्वेश्चन जो बन सकते हैं, तो गांधी इरविन पैक्ट का एक उपनाम है या कह सकते हैं टाइटल है, इसको दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता कहते हैं। क्योंकि ये दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंसी हाउस में हुआ था, इरविन भारतीय गवर्नर जनरल थे और गांधी से जहाँ उन्होंने पहले मिलने से मना किया, लेकिन इसमें समझौता हुआ और इस समझौते का प्रभाव ये हुआ, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम सबने अवज्ञा आंदोलन जो 1 साल चला वो क्लोज हो गया। एक ऐसा मैच जो हमें लगा कि हम जीतेंगे, अचानक ड्रा हो गया, समाप्त या सस्पेंडेड, रद्द। क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे, नमक के मुद्दे पर गांधी ने अपनी राजनीति शुरू की और भगत सिंह के मुद्दे पर ख़त्म हुई, क्योंकि भगत सिंह को फांसी का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसको लेकर के जनता में आक्रोश था, तो जनता भगत सिंह की तरफ अटैक्ट हुई, आंदोलन डाइवर्ट हो गया। इरविन भी चाहते थे, गांधी भी चाहते थे कुछ आगे किया जाए और उसी करने का परिणाम है दिल्ली पैक्ट। तो बाकी इसके जो प्रभाव है वो ओरल हम आपको बताएंगे। जैसे गांधी की कुछ मांगें मानी गईं, जो 11 मांगें थीं, जैसे नमक पर कर हटा दिया गया, जो धरना प्रदर्शन था उसकी अनुमति मिली, जो बातें नहीं मानी गई, जो राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा किया गया, लेकिन जो मर्डर में इन्वॉल्व हैं विशेषकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी रिहाई नहीं होगी। इस तरीके से गांधी जी ने भी कांग्रेस की तरफ से अंग्रेज़ों की कुछ बात मानी, जैसे एक नए संवैधानिक सुधारों के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। पहला कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तब गांधी जी का नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो पहले में कांग्रेस सम्मेलन फिर दोबारा होना था तो उसमें गांधी जी को जाना था एज ए मेंबर ऑफ कांग्रेस, क्योंकि बिना कांग्रेस के जाए कोई सोलूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि सभी पार्टी के लोग वहाँ थे। कांग्रेस एक बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, एक बड़ी पार्टी थी। तो ये तय हुआ, इन्हीं सारी बातों के साथ ये सम्मेलन क्लोज हुआ। इसके बाद फिर आगे भगत सिंह को फांसी हो जाती है, उसके बाद कांग्रेस का कराची सेशन होता है। तो भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को होती है, वो हम आगे आपको क्रांतिकारी आंदोलन में वैसे भी पढ़ाएंगे। तो लंदन जाने से पहले की जो इवेंट्स हैं उनका क्रम अगर पूछा जाता है तो कई इवेंट्स ऐसी हैं जो मार्च में हुई, जिससे भगत सिंह को फांसी मार्च में हुई, गांधी इरविन समझौता भी मार्च में हुआ और गोलमेज, कई और भी इवेंट हैं मार्च, जैसे दांडी यात्रा मार्च में हुई। तो इनमें
कौन सी घटनाएं किस क्रम से हुई, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले आप अलग कर लीजिए, फिर हम अगस्त की सारी इवेंट, मार्च की सारी इवेंट और पैक्ट, इन तीनों को एक स्पेशल क्लास में किसी में आपको देंगे, तो आप देखते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो उससे सारी चीज़ें एक होगी। लेकिन पहले आज इसको पूरा कर लेते हैं। तो इस के जस्ट बाद अब आगे बढ़ते हैं कांग्रेस के कराची सेशन की तरफ। तो वन इरविन पैक्ट के बाद अगली इवेंट है कांग्रेस का कराची सेशन। मार्च के लास्ट में हुआ था, तो किसी बुक्स में 30 है, किसी में 31 है, हमने दोनों ही लिख दिए। फाइनली 31 मार्च है, लेकिन फिर भी 30 भी हो तो चलेगा। कांग्रेस के कराची सेशन की खास बात यह है कि ये सेशन, इसकी विशेषता यही है कि ये सेशन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी जो हुई थी 23 मार्च 31 के बाद आयोजन हुआ। नहीं, कांग्रेस का कौन सा ऐसा सेशन है जो भगत सिंह की फांसी के बाद माना जाता है? तो भगत सिंह की फांसी मार्च में हुई थी, उससे बाद ये सेशन हुआ। इस सेशन के प्रेसिडेंट सरदार पटेल, और इसमें कौन कौन से प्रस्ताव है कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध इतिहास में भी है और संविधान में भी है। भगत सिंह को फांसी देना हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सरासर उल्लंघन था। हमारे मूल अधिकारों की कोई वैल्यू ही नहीं थी, हमारे ह्यूमन राइट्स हमारे पास थे ही नहीं, हम लोगों की स्थिति जानवरों जैसी भी, उससे भी ज्यादा बदतर थी। जब देखो कोई आए मार के चला जाए। तो इस सेशन में कहा गया कि वक्त आ गया है कि हमारे ह्यूमन राइट्स हमको मिलें। तो इस सेशन में, हालांकि इससे पहले जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें भी इसकी बात कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट को मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स को लेकर के विचार हुआ था, और बाद में कांग्रेस के कराची सेशन में भी इसी को रिवाइज किया गया, रिपीट किया गया। तो ये जरूरी था कि अब मौलिक अधिकारों को प्रेजेंट किया जाए। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि मौलिक अधिकार सबसे पहले किस रिपोर्ट में आए, तो आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट, और किस सेशन में आए तो आंसर होगा कराची सेशन। ठीक, तो यही प्रस्ताव है। तो इस सेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों दोनों को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, जब आप संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है। तो मौलिक अधिकारों का स्रोत अगर हम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो नेहरू रिपोर्ट है, और सेशन के अनुसार देखें तो कराची सेशन है, और देश के अनुसार देखें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ठीक, तो इस सेशन में पहली बार मौलिक अधिकार
यानी फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। किसी सेशन में ये पहली बार हुआ था जब हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों की वकालत की गई, और ये श्रेय मिलेगा सरदार पटेल को। आपको सुनकर थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, मौलिक अधिकारों का सरदार पटेल से बहुत गहरा संबंध है। संविधान बनाते समय सरदार पटेल की ही सिफारिश पर एक कमीशन बना था, पटेल कमीशन या पटेल समिति। और संविधान में जो मूल अधिकार हैं, संविधान की जो तीसरी बिल्डिंग है उसका टाइटल है मौलिक अधिकार। संविधान की किताब का तीसरा एडिशन मौलिक अधिकारों के लिए समर्पित है, और इनको संविधान में लाने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो पटेल समिति के आधार पर मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए, और वही पटेल कराची सेशन में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस आधार पर जहाँ पटेल हैं वहाँ अधिकार हैं, अधिकार हैं तभी तो पटेल हैं, तीसरी बातें इसमें हैं। तो क्रम अगर देखें मार्च की इवेंट्स का, तो इसमें कुछ जो मेन मेन इवेंट्स आपको मिलेंगी, तो हम चाहते हैं कि इसको इसी में हम एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है, आपको याद रहेगा। तो इस सेशन को हम हटा देते हैं। और जब कभी एग्जाम में घटनाओं से क्वेश्चन आए क्रम से, तो कैसे आप उसको निकालेंगे, तो आइए इसके लिए भी थोड़ा सा हम आपको क्लैरिटी दे देते हैं। जैसे जो हमारी इवेंट्स हैं, उनका सही क्रम और ये घटना है मार्च मंथ से जुड़ी, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग है, इनका सीरियल ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बारह मार्च 1930, यह घटना है दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत इसी यात्रा से हुई। तो हिस्ट्री में आप कई इवेंट पढ़ेंगे जो बार बार इनको सुनेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तो अपने आप ये चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। आगे चलकर के एक साल बीतता है, और हम 30 से 31 पे आ जाते हैं। ये है दिल्ली पैक्ट, जो आपने अभी पढ़ा था ताज़ा ताज़ा, दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता, जो हुआ था 5 मार्च को। इसी बीच में कुछ और भी घटनाएं हैं, जैसे गोलमेज सम्मेलन है, उनकी भी मैंने बात ही नहीं की, तो वो भी हो जाए तब हम उस पर भी आते हैं, तो उसका भी एक अलग से चार्ट बनाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसी पर ही, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं सही रहेगा। इसके बाद की जो अगली इवेंट है उसको देखने के लिए इसके बाद 31 में तीन इवेंट्स हैं, 23 मार्च,
यानी जो फांसी हुई थी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की, वो हो जाएगी। इसके बाद तीस 31 मार्च को कराची सेशन हुआ, इसमें कुछ इवेंट्स आपने आज पढ़ी, कुछ इससे पहले पढ़ी, लेकिन आज ये तीनों आपने समझी। लेकिन अभी तो सब सही है, लेकिन धीरे धीरे एग्जाम में जब ये मिक्स हो जाएंगे तब आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ध्यान ऐसे रखना है, सबसे पहले दांडी यात्रा हुई, उसके बाद दांडी यात्रा क्लोज होने के लिए दिल्ली पैक्ट हुआ, दिल्ली पैक्ट के बाद भगत सिंह की फांसी होती है, उसके विरोध में फिर कराची सेशन किया जाता है, जिसमें गांधी जी का बायकाट किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। तो जिसमें एक इवेंट एक साल पहले है, बाकी सब 31 में। तो 31 में एक ही मंथ में कई घटनाएं घटी, समझौता हुआ, फांसी हुई, कराची सेशन हुआ। मजा तब आता है जब 30-31 की दो घटनाएं इसमें और जोड़ दें। कौन सी? जितने गोल में सम्मेलन हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें से पहला 30 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ, ठीक तीनों सीरियल से हुए। अब दांडी यात्रा 30 में है, दिल्ली पैक्ट 31 में है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन भी 30 में है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 में है। अब दो इनमें और फिट कर दें तो कहानी और चरमरा जाएगी। जो कोई भी चार इवेंट्स हम ले आए, जो थोड़ी देर के लिए चलिए हमने पेपर ही क्वेश्चन ही बनाते हैं, चाहिए चार इवेंट्स हैं। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC का मतलब है पहला गोलमेज सम्मेलन। अगली इवेंट है दिल्ली समझौता, फिर है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और फिर है दांडी यात्रा। ये इतिहास की चार घटनाएं हैं, और पूछा जा रहा है कि इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, सही क्रम क्या होगा, और आपका समय भी शुरू होता है अब। आप जहाँ भी बैठे हैं, आप कैसे इसको निकालेंगे? अब जिन बच्चों ने डेट रट ली है वो तो कर ही लेंगे, सफर के लिए कुछ ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें दो चीज़ें आनी चाहिए। मार्च की इवेंट तो हो ही जाए, गोलमेज सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाए। आइए पहले इसको हम मोटा मोटा देख लेते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ, दिल्ली पैक्ट 31 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी 31 में हुआ, दांडी यात्रा 30 में हुई। क्या समझ में आया कि दो इवेंट 31 में हैं और दो इवेंट 30 में हैं? अब इसमें कौन पहले होगी कौन बाद में, इतना और पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो इतना तो आपको पता है कि दांडी मार्च मार्च में ही आया और ये आंदोलन मार्च में ही खत्म हुआ। आई मार्च जाएंग मार्च। अब गोलमेज सम्मेलन कब हुआ इतना और पता चल जाए तो आपको बता देता हूँ, जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए, क्योंकि वो दो दो तीन तीन महीने तक चले, लेकिन कोई भी गोलमेज सम्मेलन ऐसा नहीं है जो सितंबर से पहले स्टार्ट हुआ। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट के चार मंथ हैं, तो ऑल गोलमेज सम्मेलन रनिंग विद लास्ट फोर मंथ ऑफ ईयर, यानी वर्ष के चार अंत के चार महीनों में सितंबर से स्टार्ट मान लेते हैं। तो इसका मतलब दिमाग में ये सेट हो जाए कि गोलमेज सम्मेलन का जो ड्यूरेशन है लास्ट फोर मंथ है सितंबर प्लस, तो इसका मतलब है गोलमेज दांडी मार्च तो जो है दांडी यात्रा है वो पहले होगा और गोलमेज सम्मेलन बाद में होगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में जब आप गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट है 1930 नवंबर में, दूसरा 31
सितंबर में, और ये प्लस लगा दिया क्योंकि ये चलता रहेगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 32 नवंबर नवंबर कामन रहेगा, नवंबर में। डेट हमने जानबूझ कर छोड़ दी, हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर, लेकिन इतना गहराई में नहीं जाने की जरूरत है, अभी आपको एक अंदाज़ा लेना है। अब आप देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन 30 से 32 चलते हैं, लेकिन ये जितने भी कॉन्फ्रेंस हैं ये लास्ट मंथ ऑफ ईयर, सितंबर से पहले कोई नहीं होता है, इतना अंदाजा है कि गोलमेज सम्मेलन है तो शुरुआत में नहीं, वर्ष के समापन में लास्ट में होंगे। अब आप आसानी से कर सकते हैं, देखिए अगर खाली मार्च की इवेंट है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें पता है कि दांडी यात्रा है तो 12 मार्च, दिल्ली पैक्ट है तो 5 मार्च, ईयर चेंज, इसके बाद शहीद ए आजम 23 और कराची सेशन अंत में। लेकिन इसमें गाड़ी तब फंसेगी जब पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको दुखी करेगा, ये भी बीच में फिट हो गया। देखिए तो इस पहली खोल करने के लिए हमें इतना पता चल जाए कि ये दोनों 30 में हैं पहला, और तो दांडी यात्रा मार्च में हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन सितंबर में हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, ठीक 4 के बाद 1। अब ये भी दोनों 31 31 है, इसमें कौन पहले कौन बाद, तो एक इवेंट मार्च की है, दिल्ली पैक्ट मार्च में हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर में हुआ, सॉरी पहला नवंबर में है और ये सितंबर। तो इस आधार पर अब अगली सीरीज चलेगी 2 2 के बाद 3, आंसर होगा 4 1 2 3। बातें देखिए बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन गलतियां इनमें ज्यादा होती हैं क्योंकि हम चीजों को उस तरीके से समझने की कोशिश नहीं कर पाते, बस रट्टा मार शुरू हो जाते हैं। तो पढ़ते भी चलिए और चीज़ों को थोड़ा सा घुसते भी चलिए, आज़ादी तो एक जर्नी है वो तो चलती रहेगी, लेकिन उस जर्नी में थोड़े थोड़े पड़ाव भी हैं, जैसे जैसे हम ठहरते हैं तो समीक्षा भी करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं, विवेचन भी करते हैं और अवलोकन भी करते हैं, पर्यवेक्षण भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, तो ये सब चीज़ जरूरी है। तो अब इस आधार पर बाकी जो इवेंट्स हैं, जैसे पैक्ट की बात करें तो पैक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो पैक्ट कब हुए, किसके के बीच हुए और उनका ईयर क्या है स्पेशली जो है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी समय है, हम चाहते हैं कि गोलमेज सम्मेलन शुरू होने में वक्त है अभी, तो स्टार्ट में जितने भी इवेंट्स हैं उनसे ही हम आज की क्लास थोड़ी सी मिसलेनियस हो जाए स्पेशल टाइप की, क्योंकि अब बादल छड़ गए हैं, हम अगले पड़ाव पे आने वाले, लेकिन ये सेक्शन थोड़ा सा आपके लिए जरूरी ज़्यादा है। इससे फायदा ये होगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो रिवाइज हो जाएंगी और आने वाली घटनाओं के लिए कुछ माहौल भी बन जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पैक्ट्स, प्रमुख समझौते। ठीक, तो उसमें एक चार्ट बना लेते हैं, तो एक्ट का नाम किसी प्लेस से होता है,
उसका एक ईयर होता है, किसके किसके बीच होता है, ये तीन सेक्शन इसमें रहेंगे। पेक्ट या प्लेस ईयर वर्ष और पर्सन व्यक्ति, दो लोग हैं आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो किन किन के बीच हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। और इनका जो सीरियल है क्रम, ये भी ध्यान रखना है किस क्रम से होगा। तो याद करिए जो आपने पढ़ा है अभी तक, पहला पैक्ट जो इतिहास में मिलता है वो है लखनऊ, और इसमें मजूमदार जो कांग्रेस के थे अध्यक्ष और मुस्लिम लीग के थे जिन्ना, इसी को लखनऊ समझौता बोलते हैं। पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर के एक समझौता किया था और इसी के आधार पर होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ और इनोसेंट की मध्यस्थता से, तिलक की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ। आगे चलकर के अगला पैक्ट हमें मिलता है जब स्वराज पार्टी बन जाती है, गांधी जी रिहा होते हैं, बेलगांव सेशन होता है, बेलगांव समझौता 1924, इसमें एक तरफ गांधी थे, एक तरफ सी आर दास, चित्रंजन दास, जिसको गांधी दास पैक्ट बोलते हैं। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे प्लेस के आधार पर भी, जैसे गांधी दास समझौता यानी बेलगांव समझौता। इसके बाद दिल्ली पैक्ट होता है जो भी आपने पढ़ा था, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, ईयर लिखेंगे 1931, इसमें मंथ हम छोड़ दे रहे हैं। मजे की बात है कि एक पैक्ट को छोड़कर बाकी सभी समझौते में महात्मा गांधी मौजूद हैं। गांधी इरविन पैक्ट, और अगला पैक्ट आगे आपको पढ़ाएंगे, हालांकि आप जानते हैं पूना पैक्ट, पूना समझौता जो 1932 में हुआ, मंथ है सितंबर, लेकिन अभी हम छोड़ दे रहे हैं वो अगले सेशन के लिए जब वहां तक पहुंचेंगे। इसमें भी गांधी थे, गांधी जी के साथ डॉक्टर अंबेडकर, इसको पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता बोलते हैं। बात समझ में ये आई, चार शहर दे दिए जाएंगे और उनका क्रम पूछा जाएगा, लखनऊ, बेलगांव, दिल्ली, पूना, इनका सही क्रम ये होगा। ठीक, इसको अपने तरीके से याद रखिएगा, देखते कुछ बनता है तो सोचते हैं। एल फॉर लखनऊ, बी फॉर बेलगांव, डी फॉर दिल्ली और पी फॉर पुणे, LVDP। ठीक, LVDP, इसमें अपनी कोडिंग कर सकते हैं। और हिंदी में अगर देखेंगे तो ला से लखनऊ, बा से वे, लबे, दी, पू,
लवे दीपू। हमने वही लिखा है जो सीधा सीधा है, इसमें बहुत ज्यादा इमेजिंग नहीं की, वो हमने आपके लिए ड्रॉप कर दी है। बहुत ज्यादा कोडिंग करेंगे तो फिर वही हो जाए, खुल जाए सिमसिम में, हम भूल जाएंगे हमने बोला क्या था। तो अब इसमें ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ एल लगा देंगे साइलेंट तो ये एल एल बी बन जाएगा। डी पी यानी ये आपका डीप हो सकता है, एल बी डी, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करें, सोचें और निकल आएगा, नहीं तो याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप को इवेंट पता है, स्टोरी पता है, कहानी पता है, घटनाओं का सिक्वेंस, तभी अपने आप हो जाएगा। सबको पता है कि लखनऊ समझौते के बाद ही काकोरी कांड होता है, बेलगांव अधिवेशन होता है, फिर नमक सत्याग्रह के बाद दिल्ली समझौता होता है, क्योंकि उसके बाद फिर फांसी होती भगत सिंह को, और पुनः पैक्ट तब होता है जब गांधी लंदन से लौट के वापस आते हैं, वो भी जाएंगे तो अपने आप प्लेस तैयार हो जाएंगे, लखनऊ, बेलगांव, दिल्ली, पुणे। दो दो भी ले सकते हैं, लख बेल, लख बेल, लख मतलब देखना, बेल माने बेल को, और दिलपू कुछ, तो कुछ भी आप उस पर करें। ये हो गई मेन घटना है पैक्ट के आधार पर। अब एक सेक्शन इसमें और बचता है, वो है अगस्त टाइप का। तो हम सोचते हैं कि लगे हाथ लोहा गर्म है, थोड़ा ही मार देते हैं। तो अगस्त की जितनी इवेंट्स हैं उसमें हम डेट को हटा दें तो वो तो हम डिटेल से वैसे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ हमने डेट हटा दी, बंद भी हटा दिया। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी अगस्त से क्वेश्चन आएंगे अगस्त टाइप से, तो उसमें अगस्त सब में कॉमन है। जैसे आ जाए अगस्त आंदोलन, अगस्त दिवस, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, इनका सही क्रम क्या होगा, ईयर दे दी होगी, मैचिंग करो। तो सब में ईयर में अच्छा अच्छा गैप है, कोई 42 में है, कोई 40 में है, कोई 32 में है, कोई 17 में है। तो इस आधार पर आइए चलते हैं एक बार फिर, देखते हैं टाइप्स ऑफ अगस्त इवेंट, अगस्त मंथ में घटनाएं हुई तो कौन सी, फिर किस क्रम से हुई, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली है, इतिहास में क्या है, आगे झांकते रहो, पीछे ताकते रहो और कदम से कदम मिलाते रहो, तो ये आपके लिए और इजी आसान हो जाएगा। तो चलिए डलिए अगली हेडिंग। अगस्त की प्रमुख घटनाएं, द टाइप्स ऑफ अगस्त इवेंट। और यहां पर इवेंट यानी घटनाएं और इधर का वर्ष, ठीक इधर आएगा सीरियल क्रम। अगस्त में सबसे पहले जो हमें इवेंट मिलती है वो है अगस्त अनाउंसमेंट। ये दो हैं, अगस्त घोषणा दो मानी जाती हैं, पहली और दूसरी। तो इसको याद रखने के लिए हम एरो लगा देते हैं, ये घोषणा जो है इसको मॉन्टेग्यू अनाउंसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ये अनाउंसमेंट किया था। और ये घोषणा कब हुई थी, अगस्त 1917 में। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ईयर है वो 17 है, अगस्त सब में कॉमन है, इसलिए मैंने डेट भी हटा दी, जैसे और ये आपको और कन्फ्यूज ना करे, अलग अलग पढ़ाने पर हम वो भी कर देंगे। तो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी और उसी आधार पर एनिबेशन को रिहा किया गया था। तो ये है अगस्त की घोषणा, मॉन्टेग्यू अनाउंसमेंट यानी अगस्त की घोषणा। आगे चलकर के
1920 आने पर हमें मिलता है अगस्त आंदोलन, ठीक। तो यहां पर अनाउंसमेंट है, यहां पर मूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन, जो 1 अगस्त को हुआ था। 1 अगस्त को ही तिलक की डेथ भी हो गई थी। ये हो जाएगा 1920। असहयोगों के बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये सब आपकी चीजें हो चुकी हैं। अब हम लोग दूसरे तरीके से चीजों को सर्वे कर रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 1920 के बाद अगस्त में कोई घटना हमें नहीं मिलती। अगली घटना के लिए हमें लगभग 12 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1932 का भारत रेगुलर क्लास में आगे आ जाएगा। लंदन गांधी जी के जाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड एक अनाउंसमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अगस्त की घोषणा। और चूंकि मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उसको हम अगस्त घोषणा या मैकडोनाल्ड की घोषणा भी बोलते हैं। तो ये है 2 अगस्त अनाउंसमेंट। इसको बोलेंगे मैकडोनाल्ड की घोषणा, क्योंकि ब्रिटिश के ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे। ये आगे डिटेल्स मैं दूंगा इसका। तो यहां पर ईयर जो आपकी है वो 32 हो जाएगी। इसी के बाद पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में, ठीक। ये है अनाउंसमेंट, तो पहला अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट और आगे बढ़िए, 32 से हम और आगे बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे 1940। सेकंड वर्ल्ड वॉर के माहौल में भारत के गवर्नर जनरल लिथगो एक प्रपोजल करते हैं, इसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं 1940 में, कि भारतीय लोग दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करें। तो ये है अगस्त प्रपोजल। ये 1940 में आएगा। हर इवेंट में अच्छा अच्छा गैप है, प्रस्ताव आते ही दिमाग में हो 40। अब चूंकि ये प्रस्ताव लिथगो के नाम से है, इसलिए जो मेन इवेंट है वो है लिथगो प्रस्ताव, क्योंकि ये भारत के गवर्नर जनरल थे उनके नाम से। इसके बाद हमारा अगला आंदोलन शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति कहते हैं, रिवॉल्यूशन। और ये है क्विट इंडिया मूवमेंट। अशोक आंदोलन एक आंदोलन है, ये क्रांति है, जो 9 अगस्त को शुरू हुई थी। तो इसमें भी हम डेट हटा दे रहे हैं, आगे के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर आपको 42 ध्यान रखना है। तो ये है रिवॉल्यूशन, क्रांति, ठीक। घोषणा आंदोलन, घोषणा प्रस्ताव, क्रांति। इसके 3 साल बाद जब 1946 आएगा, 4th, 4th साल, तब पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग एक आंदोलन शुरू करती है 16 अगस्त 1946 को, जब भारत में खुलेआम दंगे होते हैं। ये दिन इतिहास में इतना खराब है, इसको काला दिन बोलते हैं, और मुस्लिम लीग की तरफ से इसको अगस्त दिवस बोलते हैं। चूंकि ये भी अगस्त ही है, तो अगस्त दिवस दो हैं। पहला ये हुआ था अगस्त, चलिए 16 अगस्त लिख देते हैं 1946, जिसको
डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये सब बातें आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए दिमाग में कोई क्रॉस क्वेश्चन चल रहा हो कि इसमें हुआ क्या, कैसे हुआ, इसलिए थोड़ा आप अपने को भी समय दें, हमको भी समय दें। अभी हम केवल विषय की ग्राफिंग कर रहे हैं कि क्या आना है, क्या ध्यान रखना है। तो 46 ये मुस्लिम लीग का एक दिवस था, डायरेक्ट एक्शन डे। 1947 में हम आज़ाद हुए, मुझे एक बात है, आज़ादी की जो डेट है वो भी अगस्त ही है, 15 अगस्त, और पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त, तो पाकिस्तान को तो हम छोड़ ही देते हैं। तो लास्ट जो सेक्शन है वो है 2 अगस्त दिवस, जो आज़ादी के हैं, यही है हमारा इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। और इसमें डेट लिखने में पंद्रह अगस्त सैतालीस, तो इस तरीके से यह सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है अनाउंसमेंट, पहला अनाउंसमेंट 17 में, दूसरा अनाउंसमेंट 32 में, असहयोग आंदोलन 20 में, प्रस्ताव 40 में, क्रांति 42 में, और दोनों दिवस हैं 46 में और 47 में। मान लो टाइमिंग नहीं आए, क्रम आ जाए, तो इनका क्रम इसी क्रम से होगा। और ये सब आज़ादी के माइल स्टोन हैं, मिल के पत्थर हैं, जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा आता भी है और आगे भी आएगा। तो आज क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई। तो टाइप्स ऑफ अगस्त, टाइप ऑफ पैक्ट, टाइप ऑफ मार्च और मेन मेन इवेंट। तो अब नेक्स्ट मुलाकात में हम आपसे मिलेंगे गोल मेज कॉन्फ्रेंस के साथ। अपना ध्यान रखें, सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।